किराएदार रखने के एक साल बाद आखिर मकान मालकिन रोते हुए क्यों पहुंची थाने। जयपुर शहर की बड़ी वारदात। राजधानी जयपुर में एक महिला के यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर हरमाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। आरोप है कि किराए के कमरे में रहने वाले एक किराएदार ने अश्लीलता की हदें पार की और मकान मालकिन की अस्मत पर हमला कर दिया। मकान मालकिन को डरा धमका कर यौन शोषण करता रहा। वह बदनामी का डर से सब कुछ चुपचाप सहती रही, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो इस बारे में पुलिस को बताना मजबूरी बन गई और बाद में फिर केस दर्ज कराया। एक साल पहले आया था, नहाते समय वीडियो बना लिया मकान मालकिन का। हरमाड़ा पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाली 35 वर्षीय विवाहिता ने नरेंद्र नाम के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि करीब एक साल पहले आरोपी किराए का कमरा लेने आया था। उस कमरे का किराया बताया गया तो किराया चुकाने की हामी भरकर वहां रहने लग गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसने कमरा किराए पर देने वाली मकान मालकिन को ही शिकार बना लिया। नहाने के दौरान दोपहर महिला का वीडियो बना लिया गया और बाद में उसके ही मोबाइल नंबर पर भेज दिया। इसे वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद जब पीड़िता ने वीडियो डिलीट करने की गुहार की तब भी वह नहीं माना। उसके बाद यौन शोषण का सिलसिला शुरू हो गया जो एक साल तक चलता रहा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एक साल के दौरान आरोपी ने कई बार उसकी आत्मा पर चोट की। वह अकेली रोती रहती, परिवार को इस बारे में बता तक नहीं सकती थी। आखिर जब सब्र का बांध टूट गया तो परिजनों को इसकी जानकारी दी। इस बीच आरोपी लगातार शोषण करता रहा, लेकिन आरोपी को भी इसका अंदाजा हो गया था कि वह पकड़ा जा सकता है। इसके चलते वह फरार हो गया। पुलिस को पीड़िता ने बताया कि आरोपी के मोबाइल में अभी भी उसके वीडियो हैं जो उसने नहाते समय यौन शोषण के समय छुपकर बनाए थे। उसे ये वीडियो वायरल होने का डर है। उधर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उसके कुछ परिचितों से भी इस बारे में पूछताछ की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।